हेलो फ्रेंड, जैसे कि एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, तो इस वीडियो में केवल मैंने आपको ये बताया है किस तरह आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और फिर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ssc.nic.in जो हमारी वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह वेब पेज खुलेगा। अब इसमें आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर देख राइट हैंड कॉर्नर पर देखेंगे लॉग इन और न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्टर नहीं किया है तो आप न्यू यूजर में हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। तो रजिस्टर में देखिए आपसे मांगा गया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड डाल दीजिए कि हाँ आधार कार्ड। अब टाइप ऑफ आईडी देखिए उनके लिए है टाइप ऑफ आईडी जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया है। जो आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो टाइप आप आईडी में जाएंगे, फिर वो आधार की जगह पैन कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, लाइसेंस नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं देनी है, आईडी नंबर से भी आपको मतलब नहीं है। अब आपको नेम, अब देख लीजिए जिसमें स्टार बना होगा रेड वाला, ये रेड वाले जो स्टार बने यही मेन जरूरी होता है भरने के लिए, बाकी सब आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको रेड स्टार जहां पर बने हैं वहीं भरने। अब नेम है, नेम में अपना नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया अरुण। ठीक है, अब देखिए लिखा है नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका जो हाई स्कूल 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उस पे जो नाम है वही सेम नाम डालना है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पहले आपको ये नहीं लगाना है श्री श्रीमती मिस्टर एंड मिसेज, ये सब नहीं लगाना है। ठीक है, अब वेरीफाई नेम करना है तो वेरीफाई नेम कर दिया मैंने। देखिए ये बिल्कुल डेमो में आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह आपको भरना है। ठीक है, अब इसमें देखिए रजिस्टर नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। फादर्स नेम में रजिस्टर है, फादर नेम डाल दीजिए, फादर नेम आपने डाल दीजिए, जैसे मैं डाले देता हूँ राम जी। ठीक है, अब वेरीफाई फादर नेम राम जी, मदर्स नेम देवी। ठीक है, ये ऐसे ही है, मतलब काल्पनिक में बता रहा हूँ आपको भर के। अब वेरीफाई मदर्स नेम, फिर आपको ये नंबर रिपीट कर देना नाम। अब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो आपके हाई स्कूल में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, अब इसको फिर से आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करना है तो यही डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देनी है आपको। ठीक है, ये देख लीजिए वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से डाल देनी है। ये देखिए आपका हो गया। ठीक है, इसमें गड़बड़ी ये हो गया 1997 था ना, 1997। ठीक है, देखिए सेम सेम हो गया। ठीक है, अब एजुकेशन बोर्ड में आना है आपको, तो एजुकेशन बोर्ड में आपको दिखाना है 10th का, 10th में आपका कौन सा बोर्ड था। बोर्ड कोई भी ले लीजिए, आपने बिहार से किया है तो बिहार, या आपने छत्तीसगढ़ से स्टेट बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है सीबीएसई डाल दीजिएगा। ठीक है, जो बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल 10वीं, वेरीफाई करना है तो फिर सीबीएसई डाल दीजिए। वेरीफाई मतलब उसी चीज़ को आपको रिपीट करना है सेम। अब रोल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, रोल नंबर आपने जैसे ये डाल दिया। ठीक है, वेरीफाई रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर हो गया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आप डाल दीजिए, तो ईयर ऑफ पासिंग आपने कब किया है तो डाल दीजिए, आपने जैसे मतलब हाई स्कूल किया है 2014 में, 2014 डाल दीजिए। उसी तरह वेरीफाई ईयर पासिंग, तो 2014 ही होगा ना ईयर ऑफ पासिंग, जब 2014 डाला है आपने 2014 डाल दीजिए फिर से। अब आप मेल हैं तो मेल डाल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए, ट्रांसजेंडर में आते हैं ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं। ठीक है, लेवल आप एजुकेशन आपका क्या है, आपको अपनी लेवल दिखाना है आपकी हाईएस्ट लेवल। आप जैसे आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करिए हाईएस्ट जो लेवल आपने अब तक सबसे ज्यादा पढ़ाई आपने क्या किया ग्रेजुएशन जो हाईएस्ट। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर ही बता रहे ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ये डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको वेरीफाई करना है आपको तो फिर ये वेरीफाई कर दीजिए आप। अब उसके बाद मेल आईडी है तो मेल आईडी आप डाल दीजिए, ये करके मेल आईडी आपकी आ गई। ठीक है, अब ईमेल आईडी को ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो आप डाल दीजिएगा ये कोई भी अपनी मेल आईडी जो आप
ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब है उस मेल आईडी पे किसी ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह इसको वेरीफाई कर दो, मेल आईडी को वेरीफाई और कंफर्मेशन एक ही चीज होती है, ठीक है। अब देखिए स्टेट या आप लिख यूटी आप परमानेंट एड्रेस, तो इसमें अपना स्टेट डालना है, आप कहाँ के हैं, आप छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ डाल दीजिएगा, बिहार के हैं बिहार डाल दीजिए, बिहार के हैं तो बिहार डाल दीजिएगा, इसको सेव कर लीजिए। अब इसमें देखिए जब आप सेव पे बटन दबाएंगे तो लिख के आ रहा है कि प्लीज कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, डिफरेंट ओटीपी विल बी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर फाइनल सबमिशन। अब ये देख लीजिए अपना कंफर्म कर लीजिए, इस पर ओटीपी आएगी, जो नंबर आप डालेंगे उस पर ओटीपी आएगी, उससे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कंफर्म बटन दबा दिया। अब देखिए बेसिक डिटेल आर सेफ और रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज, फेलिंग विच योर डाटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, ठीक है। इसको आप क्लोज कर लीजिए। तो इस तरह देख लीजिए ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसको आप ओके कर लीजिए। अब उसके बाद आप देख लीजिए अब आप लॉगिन में जाएंगे, ठीक है। अब आप लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल आईडी पे आएगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा और पासवर्ड दिया गया होगा आपको, पासवर्ड ले लीजिएगा, कैप्चा लिख के फिर आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी दिखा दूं आपको किस तरह आपकी मेल आईडी पे आया होगा, किस तरह आपको उसको उठा के इसमें करके लॉगिन करना है। तो 2 मिनट का और आप समय दीजिए बस, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो मेल आईडी है जो आपने वहां रजिस्ट्रेशन में डाली थी उस पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये SSC के द्वारा भेजा जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 11 डिजिट का है, ठीक है, और ये एक पासवर्ड ये बना के देंगे, आप पासवर्ड चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देख लीजिए आप, ये आपका आ गया, यही वहां लॉगिन के समय जब आप लॉगिन करेंगे तो यही डालना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, और ये पासवर्ड आपको याद ही रहेगा जैसे मेरा 5642 दिया इन्होंने, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लॉगिन करना है, पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, कायदे से फॉर्म भर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए जो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल आईडी पे मिला है उसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, जो पासवर्ड दिया था SSC रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, वो देखिए मेरा 5642 रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल दिया है। अब ये आपको यहाँ पर कैप्चा यहाँ इंटर टेक्स्ट में लिखना है, तो जो कैप्स में है वो कैप्स में लिख दीजिएगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लॉगिन करेंगे, अब देखिए इसमें कुछ इरर आ रही है क्योंकि लोड ज्यादा है, ज्यादातर बच्चे जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाई